नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बनाने का कारण मेरा जो एक्टिवा 125 है उसका बैटरी ख़राब हो गया है, तो मैं आज वो चेंज करने जा रहा हूँ शिवाजी नगर में। तो सर दोस्तों, ऐसा है कि इसका बैटरी ख़राब होने के कारण सेल्फ वगैरह कुछ देता नहीं है, डायरेक्ट किक स्टार्ट करना पड़ता है। तो भाग दौड़ी के ज़िंदगी में ऐसा किक स्टार्ट कितने बार करेंगे, उससे अच्छा वो अपना ही आदत होगी आसान काम से वाला वो सही रहता है। तो मैं वो बैठाने के लिए अभी जाने वाला हूँ, तो कितने में गिरता है और जो कुछ भी है वो सब मैं आपको डिटेल बताऊँगा। ठीक है, मुझे मेन दिक्कत कब आती है, जब सिग्नल वगैरह में आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद होगी तो आपको वापस डबल स्टैंड पे डालो और किक मारो, वो सब गड़बड़ हो जाती है। इसके लिए बैटरी होना मतलब ये सिंगल ये जो सेल्फ वाला जो सिस्टम है वो एक सिस्टम नहीं होने से कितना प्रॉब्लम होता है वो मुझे पता चला। इसलिए अभी मैं जाता हूँ बैटरी चेंज करने। तो दोस्तों, आज नानू आने वाला है मेरे साथ, तो अभी निकलते हैं शिवाजी नगर। तो दोस्तों, ये बैटरी बहुत हेवी है, होंडा की ब्रांडिंग देख सकते हैं। बैटरी था वो टाटा का था, होंडा टाटा का, अभी जो लिया वो एक्सेल का है। जो पुराना बैटरी देने के बाद मुझे 1150 में गिरा है, और इसका एक अच्छी बात है, देखो वो वाले बैटरी को ऐसे कवर नहीं था धूल मिट्टी से बचने के, इसको कवर भी है। दोस्तों, ये वाला कवर भी ले लिया है क्योंकि ये पुराना वाला बहुत ख़राब हो गया था, एकदम हार्ड हो गया, तो इसके लिए हमने ये वाला लिया। अभी ये भी लगा लेते हैं। कवर लगाने के बाद देखो एकदम मस्त दिख रहा है, और ऐसे आप ओपन करके आप भी कर सकते हैं अगर गंदगी रहेगी अंदर। किसी ने तो चोरी किया है, तो अभी ये डालना पड़ेगा। दो शॉप में मैं घूम के देखा बट नहीं मिल रहा है, देखते एक और शॉप में अगर उधर मिल गया तो भी लगा देंगे। अभी ये नया चोरी स्टार्ट हो गया है, जिसका इसका 125 है, जिसका ये कवर नहीं है वो किसी और का चोर के लगाता है। दिख रहा है ना एकदम मक्खन। तो फाइनली आ चुके हैं अपने एरिया में। अभी तीन काम हमने किए, पहला तो बैटरी चेंज किया, बैटरी हमें पुरानी बैटरी एक्सचेंज करके 1150 में गिरी, ओके। और ये है वारंटी कार्ड, 2 साल की वारंटी है, तो इसको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आज तक कभी किया नहीं है, बट ए टाइम से मैं इसको संभाल के रखूँगा। और इसमें जो मतलब होंडा ने जो बैटरी दी थी वो होंडा की टाटा वाली बैटरी थी, तो हमें वो नहीं मिली, वो बंद हो गई है। तो अभी हमें मिली है एक्सिट की, जो अच्छा ब्रांड है। दूसरा चीज़ और हमने चेंज किया है कवर, जो पुराना वाला जो गाड़ी के साथ आया हुआ था वो कवर ख़राब हो गया था, तो देखो कवर चेंज करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। और तीसरी चीज़ एक चेसी कवर हमने चेंज किया, जो हमें गिरा 80 रुपये का, ठीक है, इतना सा कवर है, बट वो नहीं रहने से एकदम गाड़ी गंदा दिख रही थी। वो कवर हमने लगा दिया, वो मैंने खुद ही लगा दिया, एकदम आसान था, जस्ट क्लिप है वो लॉक करना है। एड्रेस कवर मुझे गिरा 150 रुपीज़ का, मतलब 150 रुपये का, ठीक है। तो मैंने ओवरऑल आपको बताया, बैटरी होने के कारण पहले सेल्फ में गाड़ी उठ गई है, और
इसका जो फीचर है जो ऑटोमेटिक गाड़ी स्टॉप होती है, मतलब सिग्नल पे वगैरह रुकेंगे तो और ऑटोमेटिक स्टार्ट होती है, वो मुझे यूज़ करने नहीं मिल रहा था क्योंकि गाड़ी की बैटरी ख़राब थी। बट अभी हमने टेस्ट करते मतलब आते हुए टेस्ट किया, अभी वो सब चीज़ें वर्क कर रही है और हॉर्न वगैरह सब ए टू जेड एकदम परफेक्ट। तो अच्छी लगी हो, कुछ यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट भी डालिए। तो मिलते हैं एक और नया ब्लॉग लेके, तब तक के लिए बाय।